एवरीबडी दिस नगर सागर, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, आज का सीन बहुत ही ज़्यादा ऑसम होने वाला है, क्योंकि आज हम आए हैं गांव में भैया के। फाइनली ये लेके आ ही गया मेरे को, इतने साल से बोल रहा था मैं आने के लिए यहाँ पे। और गाइस ये देखो, रात में ये रास्ता था, वो जो आपने लास्ट क्लिप देखी थी ना कल वाले एपिसोड में, वो रास्ता ये था। मतलब ये तो खैर फिर भी बहुत सही है, इनके बीच में से गए थे हम और कुछ नहीं दिख रहा था, पीछे से अजीबोगरीब आवाज़ें भी आ रही थी। ये मुझे कह रहा गांव में पीछे मुड़ के नहीं देखते भाई, मैं चार बार मुड़ गया, फिर भी यार आवाज़ आ रही है मेरे को तो मुड़ गया। और भाई इन्होंने रात में जो शेर के नाम पे डराया है ना, यहाँ भागा जाता है और उसके चक्कर में देखो ऐसे में जा रहे हैं और एकदम कह रहे बाघ आ जाएगा भाई। ऐसे सीरियसली यहाँ पे बाघ ऐसा आ जाता है ना सामने, फिर सामने आके हेलो बोल के जाता है फिर वो। यहाँ पे मतलब ऑलमोस्ट गांव के हर एक इंसान ने देखा हुआ है। तो गाइस हम आए थे अपनी गाड़ियों को देखने के लिए। वैसे तो बहुत सही जगह पार्क है, देखो एकदम कोने में पार्क है, यहाँ आता जाता कोई भी नहीं। काफी ये वाला रोड तो काफी बड़ा है, लेकिन जो रात में हम आए थे ना, इतना डेंजरस रोड मैंने लाइफ में देखा। मतलब दो तीन बार मैं सही बताऊँ, मेरा पीछे वाला जो टायर था वो थोड़ी खाई की साइड चला गया था आधा। और आप ये देखो शीशे पे, अगर आपको ध्यान से ये लाइनें दिख रहे हो, ये सारी झाड़ें हैं जो यहाँ से लगती हुई गई हैं, इवन उस साइड भी काफ़ी ज़्यादा लगी हैं ये देखो। मतलब और कल रात तो एक मतलब किसी को पास देने के चक्कर में हल्की सी गाड़ी टच हो गई थी, मतलब बिल्कुल मामूली सी टच हुई थी, ऐसा कुछ हुआ नहीं गाड़ी को, मतलब अभी तक तो सो फार सो गुड। एक चीज़ और गाइस, कि ये जो गांव है ये तरुण की बुआ का गांव है, और जो तरुण के फादर का गांव है वो वाला है, दिस वन। तो हमें यहाँ जाना है, और रात को जिस रोड से हम आए थे वो रोड ये वाले थे छोटे वाले, और जो हम मेन हाईवे है वो वहाँ पे है। तो ये मेन हाईवे है, हमने यहाँ से डी टूर लेते हुए उस पहाड़ से वहाँ से होते हुए देन फिर हम यहाँ आए हैं। क्या करवाया तूने ये? तो गाइस हम ना इस रास्ते से आए थे और ये रास्ता आता है यहाँ पे, ये है तरुण की बुआ का घर। वैसे तो ये एरिया ना वैसे खाली रहता, लेकिन अभी क्या है कि ऊपर घर बन रहा है तो इस वजह से थोड़ा फैला हुआ है, लेकिन स्टिल बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा है, क्योंकि यही सब चीज़ें तो देखने आते हैं। सब लोग यहाँ पे मिल रहे हैं, तरुण यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवा रहा है अपने व्लॉग में, ठीक से इंट्रोड्यूस करना है वो तरुण के व्लॉग में देख लेना, थोड़ा सा मैं इन सब चीज़ों में थोड़ा सा वीक हूँ। हाँ तरुण, मैं कह रहा हूँ सब लोगों से मिलवानी हूँ तेरा व्लॉग बाहर से देखने के लिए मेरा। ये तरुण जी के फूफा जी हैं, आगे ये अंकल आंटी मतलब तरुण जी के मम पापा, ये तरुण हिमसेल्फ। तो बस अभी ऊपर चलते, ऊपर से आपको व्यू दिखाता हूँ, व्यू बहुत अच्छा है ऊपर से। तरुण देखो इंटरव्यू ले रहा है यहाँ पे, फूफा जी और बुआ जी बैठी हैं, ये इंट्रोड्यूस करवा रहा है। और जैसे मैं कह रहा था कि आप लोगों को यहाँ से व्यू बहुत अच्छा है, वो दूसरा गांव है, हमें उसी से होते हैं वहाँ पे पीछे जाने। बहुत ही मस्त चीज़ें हैं यहाँ पे ना, मतलब खेती वगैरह करते हैं। अभी तो ये घर बन रहा है तो थोड़ा फैलावरा ज़्यादा है, लेकिन यहाँ मेनली खेती होती है। ये हम मुझे इतना आइडिया नहीं किस किस चीज़ें की यहाँ पे खेती हो रही है, लेकिन ठीक है। और ये देखो सब लोग वहाँ पर खेत में काम कर रहे हैं। जो बर्ड है ना वो ऐसे ऐसे मिल रही हैं, मैं क्या ही बताऊँ, मतलब ऐसी वर्ड मैंने कभी देखी नहीं। और यहाँ पे एक मंदिर, ये मंदिर है मेन, देखो गाइस वीडियो बनाई है, घिया गोल घिया बिल्कुल उतना, ये एक्चुअली बहुत साइज देखो ना कितना बड़ा है, कि पेड़ में अगर आपको दिखा रहा हूँ। और यहाँ बुआ जी चाय लेके आई हैं, थैंक यू जी, मस्त। पर यहाँ आके दो साल और उम्र बढ़ जाती है मेरी, बढ़ गई अभी। एक बुढ़िया मतलब 80-90 मतलब 100 साल होने को हो रखते हैं उसको, रात को सो गई होगी वो,
उसने दरवाजा बंद नहीं करा, उल्टी हो गई तो भूल गई होगी, उसने सोचा मैंने दरवाजा बंद कर दिया, बाघ बैठा होगा वहाँ पर, उसने बाघ नहीं समझा, उसने कोई बिल्ली बिल्ली होगी, तो उसने बोला ऐसे बोला तो बाघ ने उसको इतना इतना मीट रखा उसके बुढ़िया ने, सब खा गया उसको, अरे बाप रे, और खा गया, अब बेटी की बाहर हो गई, 4,00,000 रुपए मिल गए उसको। मुझे लगा सीरियस कहानी नहीं पकड़ेगा टाइम, मैं उसी यहाँ से भागे भागे गेट बंद करने के लिए गई, हाँ मैं जल्दी जल्दी जाती हूँ, डर लग रही थी, उधर से वो आ रहा था, वो मेरी धमधम से डर गया, उसने वहाँ कूद मार दी, मैं उसकी धमधम से डर गई, मैं भी भागी। देखो बुआ ना भी यही बता रहे थे कि बुआ अपने घर से बस निकल रही थी यहाँ से, और यहाँ से बाघ आ रहा था, जानवर है और ये जंगल ही एक तरीके से उत्तराखंड पूरा, तो जानवर तो अपने घर पे रह रहे हैं, हम जानवरों के बीच रह रहे हैं। एक जानवर मैं भी लेके आया हूँ, मैं भी लाया हूँ। तो फाइनली गाइस सीन अभी कुछ ऐसा है कि यहाँ बैठे चिल किया जा रहा है, बहुत ज्यादा मजा आ रहा है, वैसे रात में भी करा था हमने यहाँ पे बैठ के, बहुत ज्यादा अच्छा लगा था, लेकिन अभी का सीन कुछ ऐसा है कि तरुण क्या बोलता है, अरे अंकल जी बॉडी दिखा दे। कट कट कट। और यार पहाड़ों पे ना बहुत अच्छा खासा है ना क्लाउड पासिंग हो रही है, तो वो देखने में बहुत ज्यादा मजा आ रहा है, और यहाँ चिल मार रहे हैं ना, ठंडा मौसम है, वैसे ही जैकेट वाला मौसम है, लेकिन हमने जैकेट नहीं पहनी हुई क्योंकि थोड़ा सा यार फील भी तो ले गाँव का, है ना, क्योंकि जो वेदर है ना इसको फील करने में ज्यादा अच्छा लग रहा है। नाश्ते में क्या हुआ? नाश्ते में है पनीर और छोले बनाए हैं, पूरी बनाऊंगी, और दूध है, दही है, अचार है, सब कुछ है, पर जो दूध पिएगा वो दही दिखाएगा। ठीक है, जो दही खाएगा वो दूध पिएगा, दही खाएगा वो दूध पिएगा। ठीक है, तो तुम लोग क्या पी रहे हो अभी, खा रहे हो पी रहे हो? देख रहे चालू बंदी कर रही है मम्मी, आप दही ले लेना, मैं दूध ले लूंगा, नकुल कर लेगा मेरे दोनों, तो कोई भी चल वो आपका प्लान फेल हो गया, हम दिल्ली वाले बहुत तेज है, हमने दूध ही कर लिया सारा। सो फाइनली बाय बाय करते हैं हमने यहाँ पे सब लोगों को, अब हम जा रहे हैं अपनी गाड़ी की तरफ, गाड़ी का रास्ता इधर से है, जैसा कि मैंने आपको सुबह दिखाया था, अभी टाइम हो रहा है 10, तो थोड़ा लेट हो गए लेकिन कोई नहीं। तो गाइस फाइनली सीन कुछ ऐसा है कि निकल रहे हैं यहाँ से, गर्मी बहुत ज़्यादा हो चुकी है, हालत भी बहुत ज़्यादा बुरी हो चुकी है, मैं पूछते पूछते मैं टीका ही पूछ दिया यार, ध्यान ही नहीं रहा। वो देखो गाइस ये था वो जगह जहाँ पे मेरा टायर थोड़ा सा हवा में आ गया था, और ये वो रोड है जो आप देखते हो ना कि यार ये ऊपर लोग कैसे रहते होंगे पहाड़ों पर, तो ये ऐसे वाले रोड होते हैं, एक गाँव से दूसरे गाँव में कनेक्ट होते हैं, और अभी हमें इसी रोड को पकड़ते हुए बुआ के गाँव से तरुण के फादर के गाँव जाना है, जो कि यहाँ से कितना किलोमीटर होगा, हार्डली 3-4 किलोमीटर होना चाहिए, इससे ज़्यादा तो नहीं होगा। देखो ये लगा था मेरे यहाँ पे बम्पर, यहाँ पे हम रुके थे एक मंदिर में दिए जलाने के लिए, तो पूरी फैमिली गई वहाँ पे दिए जला रही है, और यहाँ पे हम दोनों अपनी गाड़ी की रखवाली करते हुए, और यार गाड़ी निकालते ही नीचे से लग गई और सामने से भी लग गई थोड़ी थोड़ी, लेकिन दिख ऐसा कुछ नहीं रहा, मतलब प्लेन एरिया में चलाओ, उबड़ खाबड़ जगह के लिए नहीं है, और यार नेक्स्ट टाइम से मैं, खैर यार ये तो मेरी फैमिली गाड़ी थी, नेक्स्ट टाइम के लिए जो एक गाड़ी प्लान कर रखी है गेम ओवर है उसका, ऑफ रोड के लिए बिल्कुल वो आएगी, लेकिन उससे पहले हो सकता है कि एक ऑफ रोडिंग बाइक ले लो। सो गाइस अभी हमने यहाँ पे अपनी कार पार्क कर दी है, देख रहे हो क्या बढ़िया जगह पार्क हुई है कार। सीन अभी कुछ ऐसा है कि जो तरुण के फादर का गाँव है वहाँ पर थोड़ी सी ना चढ़ाई है, हल्का फुल्का क्लाइम करना पड़ेगा पहाड़ पे, क्योंकि वहाँ पे ना गाड़ी नहीं जा सकती, तो इस वजह से हमने गाड़ी को यहाँ पे पार्क किया है, और हम निकल चुके हैं आगे जाने में। अच्छा नीचे जाना है, और चश्मा वश्मा पहन लिया गया है क्योंकि बहुत तेज धूप है यार, देखो लद्दाख की टैनिंग अभी तक नहीं गई, ये उत्तराखंड की टैनिंग वो लेके जाऊँगा मैं। अपने रोड तो बहुत अच्छे बनवा रखे हैं यहाँ के, आपको पता था क्या मैं आने वाला हूँ यहाँ पे, पानी और बारिश ने बढ़िया कर दिया रोड यार, देखो ना कितना बढ़िया एकदम ये ट्रैक जा रहा है, हमें यहीं पे ऐसे करते हुए जाना है, बहुत ही बढ़िया नाइस। अरे इतनी देर से यार पानी की आवाज़ आ रही है कहाँ, एक्चुअली ना यहाँ पानी है नीचे, दिख नहीं रहा बिल्कुल भी, ये देख रहे ऐसे ये यहाँ पे नीचे है पानी है, और रोड तो बिल्कुल आधा हो रखा है, मैं गलत जगह खड़ा हुआ था वीडियो में चक्कर में। रास्ते देखो यार आप, मतलब जैसे हम गाड़ियों में आते और हर टर्न पे एक बहुत बेहतरीन सा सीन आता है ना, सेम ऐसे ही यहाँ पे भी है, और ये पीछे वाला पहाड़ देखो कितना अच्छा लग रहा है, क्या कर रहे हैं। रोड भी मतलब पक्का बना रखा है, लेकिन थोड़ा थोड़ा डेंजरस भी है कि गिरने को हो रहा है,
लेकिन अच्छा लग रहा है। हमें सब छोड़ के चले गए, चलना पड़ेगा भाई। वो वहाँ पहुँच चुके हैं, गाँव वालों की स्पीड बहुत तेज होती है। वो देखो कितनी दूर है। आज के ट्रैक में तो और ज्यादा मजा आ गया। वैसे ना कुछ ट्रैक ऐसे होते हैं जो ऑफ रोड वाले होते हैं, ये वैसा नहीं है, स्मूथ है, तो ज्यादा मजा आ रहा है। आएगा पता नहीं कितने। वैसे तो कितना किलोमीटर होगा हमारा, तुम्हारा गाँव यहाँ से होगा मेरे ख्याल से 2-3 किलोमीटर तो होना चाहिए भाई। देखो मैं ऑनेस्टली बताऊँ, मैं हूँ दिल्ली का लड़का, ठीक है, मेरा मेन सब कुछ दिल्ली में ही है, तो मेरा कोई मतलब गांव से इतना कुछ रिलेट नहीं करता मैं चीज़ों को, तो इसलिए अगर मैं ज़्यादा ओवर एक्साइटेड दिख रहा हूँ ना, तो उसका पीछे रीज़न सिर्फ इतना है कि ये सब चीज़ें ना मेरे को देखने के लिए नहीं मिलती जल्दी से। ऐसा नहीं, हम दिल्ली में रहते हैं, उत्तराखंड आके ना एक्साइटेड हो जाते हैं। हाँ, क्योंकि गाँव की ना बात कुछ अलग है, कुछ अच्छी वाइब्स आती है, तो ज़्यादा अच्छा फील होता है। दिल्ली की वाइब्स अलग है, दिल्ली की वाइब्स और उस हिसाब से अच्छी है, यहाँ की वाइब्स यहाँ के साथ। तो मैं बोल सकता हूँ गांव से कुछ नाता है मेरा, गांव मुझे थकाता नहीं। ये देखो ये पानी बिल्कुल पहाड़ से आ रहा है, बिल्कुल साफ सुथरा पानी है। धारा है क्या कहते हैं, बहुत मशहूर है, श्यामजू का धारा है ये। तू भतर में बात कर रही है। पानी सदा रहता है हमारे वहाँ, गर्मी पड़े चाहे कुछ भी हो पानी कम नहीं होता है। सर्दियों में ये गर्म आता है और गर्मी में ठंडा पानी देता है। अच्छा, हाँ इसका खासियत है। आपने निकाला है पानी? ये श्यामजू ने यहाँ पर संबल, पहले पानी था वो नाचते नाचते आए थे, उन्होंने संबल यहाँ पर मारा ऊपर। अच्छा, पानी निकल गया। अब लगा लो तो झीड़े में से पानी कहाँ से आ रहा है, वो नहीं है अद्भुत नहीं है? तो तुम्हें यही मकान बनाना चाहिए ना। मैं टारगेट है। जो औरत अलग, जो अलग मेहनत जो होती है, अगर वो यहाँ से आ जाएगी यहाँ शाप ही शाप हो जाएंगी। अच्छा, इस रास्ते उसने नहीं आना है 6 दिन तक। अच्छा, इसका ये भी खासियत है। अच्छा, ये पानी शुद्ध है। लेते ही शोर मच गया। अंकल जी का नाम लक्ष्मण था, लक्ष्मण आ गए, लक्ष्मण आ गए। नाइस, अब पूरा गांव इकट्ठा हो गया, ये बढ़िया है। मैंने कहा था पूरा गांव इकट्ठा हो गया। हाँ, यहाँ हो जाते हैं, देख लो सबको बना लो। हाँ, डबल लेन रोड किन्ने बनाई है। ये है नेशनल रोड जो ऑटोमेटिक बनी है, किसने नहीं बनाई। ये सही है यार, छोटी छोटी सीढ़ियाँ। ये है गांव और ये है गांव के घर, और सीन ऐसा है कि अभी हम ये लोग यहाँ पे रेस्ट कर रहे हैं। यार मैं तो फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस कर रहा हूँ ये सब चीज़ें, और वो सामने रोड जा रहे, देखो गाड़ियाँ चल रही हैं। वो आई थिंक मेन रोड है जो जा रहा है यहाँ से, और ये जो रोड है इसी से हम ऊपर आए थे कल रात को। मतलब यार ऐसी जगह पर रुकना एक अलग ही एक्सपीरियंस दे रहा है। और रंग बिरंगे घर हैं, कहीं पीला है, कोई नीला है, कोई वाइट है, लेकिन बेसिकली यहाँ पर जो कलर होता है वो नीला रहता है, और उसके पीछे रीज़न कहते हैं नीला और पीले का, ठंडा गर्म का कुछ सीन होता है, नीला पीला और वाइट। यहाँ पे भी मैंने सब्सक्राइबर बना लिए इतने ऊपर आके। भाई देखो बूंद बूंद सागर बनता है ना भाई। घर बड़े सुंदर सुंदर है यहाँ पे सारे। हाँ, यहाँ पे लोग घास ला रहे हैं। हमारे में बहुत काम करते हैं। हाँ, गांव में हमारी लेडी से ज्यादा काम करती है, पता है? अभी तो उनका शरीर हमारे तो क्या यहाँ पे घर है फाइनली। ये देखो इधर से पत्थर चले गए। अच्छा, ये देखो ये है तरुण का घर, ये वाला उनका दादा का घर है। इनका भी क्या दादा का, दादा का इनका। हाँ, अंदर कैसा है अंदर ने, इन्होंने मतलब यहाँ पे अपना सामान वामान स्टोर करते होंगे या कुछ भी। देखो ये नीचे खाली छोड़ा हुआ है, यहाँ पे सामान वामान रखते होंगे, लकड़ी वगैरह है ना नीचे। ये काइंड ऑफ स्टोर का काम होता था और ऊपर रहते थे। कितने सारे गेट बना रखे हैं, यही खिड़की का काम करते हैं और यही सब चीज़ का। एक ही गेट है, 3 खिड़की। अच्छा, गेट ये है, ये 3 खिड़की है भाई। जो आप ये घर देख रहे हो ना, अब ये घर ऐसा नहीं रहने वाला। ये जो अंकल आए हैं ना, ये इन घर को बनाएंगे वाले हैं। यार यहाँ से व्यू अच्छा है तुम्हारे घर से, एक नंबर व्यू। तो ये क्या टका हुआ है लंबा लंबा सा, ये लौकी है, पहाड़ी लौकी। यहाँ पे मंदिर था आपका, मंदिर पर्सनल क्या? हमारी उनका है, अच्छा
लेकिन इतने सालों से यूज नहीं हुआ ना, तो यहाँ पे झाड़ी झाड़ी आ गई है। तो उनके घर की छत उस टाइम पे देखो छत ऐसी बना करती थी, और जो पेड़ वेड़ है ना ये रखे नहीं गए, ये पेड़ बड़े हो के ऐसे आ गए हैं। गाइस आई होप आपको ये वाला व्लॉग पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो लाइक जरूर करना, सब्सक्राइब कर देना। अभी का सीन कुछ ऐसा है कि हम यहाँ से निकल रहे हैं, तो मैं सोच रहा हूँ इस वाले व्लॉग को यहीं ख़त्म करते हैं, क्योंकि जो आगे वाली जर्नी है वो थोड़ी सी डिफरेंट है। तो इसलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, बाय बाय, टेक केयर, बाय। ठीक है।